कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित राजौरी नामक गांव में एक ऐसे वीर योद्धा का जन्म हुआ जो आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह जी का सच्चा सिख कहलाया। एक ऐसा योद्धा जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे माता गुजरी जी और गुरु तेग बहादुर जी के हत्यारों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया, जिन्होंने पंजाब में सबसे पहले मुगलों का लगातार सफाया करके पंजाब को मुगल हुकूमत से मुक्त कराकर एक स्वतंत्र खालसा राज स्थापित किया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान शूरवीर योद्धा और विनम्रता की मूरत बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की। बंदा सिंह बहादुर, जिसका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, उनका जन्म 16 अक्टूबर 1670 ईस्वी को कश्मीर के गांव रजौरी में हुआ। उनके पिता रामदेव भरद्वाज, जो गोत्र से राजपूत थे, वे खेती बाड़ी का काम करते थे। शिक्षा का खास प्रबंध ना होने के कारण आप विद्या हासिल ना कर सके, बस पिताजी के साथ खेती बाड़ी में ही सहयोग किया करते। आप जी को घुड़सवारी, तीरंदाजी और शिकार खेलने का बहुत शौक था। अक्सर आप रजौरी के आसपास के जंगलों में शिकार खेलने जाया करते। 15 साल की आयु होने पर आपके जीवन में एक खास मोड़ आया, जिससे आपका सारा जीवन ही बदल गया। एक दिन जंगल में शिकार खेलते समय आपका तीर एक गर्भवती हिरनी को जा लगा। जब लक्ष्मण देव घायल हुई हिरनी के पास पहुंचे तो वे देख के हैरान हो गए कि जख्मी हिरनी के पेट में से 2 जीवित बच्चे निकले, जो उनकी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर मर गए। वह इस दर्दनाक घटना को देखकर इतने गमगीन हो गए कि मन ही मन वैराग पैदा हुआ और वे अपना घर त्याग कर सन्यासी साधु बन गए। समय के चलते उन्होंने जानकी दास को अपना गुरु बना लिया, जिसने आपका नाम लक्ष्मण देव से माधुदास रख दिया। कुछ समय बाद आप नासिक चले गए, जहां ओघड़नाथ नामक योगी के शिष्य बने, जिनसे आपने जादू टोना की तांत्रिक विद्या सीखी। 1691 ईस्वी में ओघड़नाथ की मृत्यु के बाद आप जी नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे अपना डेरा बनाकर रहने लगे। अपनी तांत्रिक विद्या के कारण शीघ्र ही सारे इलाके में आपकी प्रसिद्धि फैल गई, जिससे लोग दूर दूर से आपके डेरे में आने लगे। एक बार 1708 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी का नांदेड़ आना हुआ। उन्हें खबर मिली कि पिछले 15 वर्षों से माधोदास नामक एक बैरागी और तांत्रिक एक डेरे में रहता है, जो अपने पास आए हुए यात्रियों का अपनी करामाती शक्तियों द्वारा निरादर करता है और उनका मजाक उड़ाकर बहुत प्रसन्न होता है, तथा आए हुए यात्रियों को पलंग पर बिठाकर अपने जादू से वह पलंग उल्टा देता है। गुरुजी के सेवक जैतराम द्वारा मना करने पर भी गुरुजी नांदेड़ माधोदास के डेरे जा पहुंचे। बाकी यात्रियों की तरह ही माधो ने पहले गुरु जी को पलंग पर बिठाया और अपनी पूरी कोशिश कर डाली, परंतु पलंग को उल्टा ना सका। हैरान होकर उसने गुरु जी से पूछा, आप कौन हैं? गुरु जी बोले, वही जिसे तू जानता है, अपने मन की आंखें खोल कर देख। इतने पर माधो ने कहा, आप क्या गुरु गोविंद सिंह जी हैं? गुरु जी बोले, हाँ। कहने लगे, माधो तेरा स्वभाव तो शिकारियों वाला है, अत्याचारी मुगलों के सताए हुए लोग उतने ही मासूम और कमजोर हैं जितने तेरे तीर से मरे वे 2 हिरनी के बच्चे, जो पैदा होते ही तेरे तीर से मारे गए थे और जिन्हें तू मरता तड़पता देख ना सका और जीवन भर के लिए शिकार खेलना छोड़ दिया और अपने हथियार भी त्याग दिए। उस दर्दनाक घटना ने तुझे लक्ष्मण देव से माधोदास बना दिया, अब बता तू कौन है? माधोदास
अत्यंत हैरान होकर सोचने लगा, गुरुजी ने तो पहली मुलाकात में ही मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। वह भावुक होकर गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे अंतर्यामी गुरु पिता, मैं आपका बंदा, कृपा करके मुझे बताएं कि वो कौन दुराचारी और जुल्मी हैं जो निस्सहाय और कमजोरों पर जुल्म करते हैं। गुरुजी बोले, माधो, क्या तू अपनी तांत्रिक विद्या से अत्याचारी और दुराचारी लोगों का वध करेगा? वह बोला, उस तांत्रिक माधोदास का अंत तो आपके दर्शन से ही हो चुका है। अब तो आपके सामने आपका बंदा हाजिर है। आपके आगे मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि मुझे ऐसा सिख बनाएं जिसकी तलवार किसी निर्दोष पर उठे ना और किसी अत्याचारी को बख्शे ना। गुरुजी ने कहा, अब हम माधो तुम्हें ऐसा शक्तिशाली खालसा सिख बनाएंगे जो दुश्मनों जुल्मियों का खात्मा करेगा और गरीब कमजोरों का मददगार साबित होगा। इसके साथ ही वचन किया, माधो तू अपनी किस्मत जगा, तूने जिस काम के लिए जन्म लिया है वही कर, क्योंकि देश में मुगल हुकूमत सारे हिंदुओं को अपने जोर जुलम से मुस्लिम बना रही है। हिंदुओं द्वारा ऐसा ना करने पर उन्हें अत्यंत क्रूर यातनाएं दी जा रही हैं। इसलिए इन सभी अत्याचारियों का वध करना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उनके ऐसे वचनों ने माधोदास को पूरी तरह से झकझोर दिया। अपना फर्ज समझकर मन ही मन उसने प्रण किया कि वे मुगलों द्वारा किए गए अत्याचारों का गिन गिन कर बदला लेगा। इस तरह वे गुरु जी का शिष्य बन गया। गुरु जी ने उसे अमृत छकाकर अपना सिख सजा लिया और नाम दिया बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर को जब इस घटना का पता चला कि मुगलों द्वारा गुरु जी के सारे परिवार को क्रूर यातनाएं देकर शहीद किया गया था, तो उनका राजपूती खून खोलने लगा। कहते हैं, तब अंतर्यामी गुरु गोबिंद सिंह जी ने ज्योति जोत समाने से पहले बंदा सिंह बहादुर जी को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी। गुरु जी ने सबसे पहले बंदा सिंह बहादुर जी को खालसा का सेनापति नियुक्त किया और पंजाब के जत्थे की अगुवाई उन्हें सौंपी। अपने तरकश में से 5 तीर, 1 नगाड़ा तथा निशान साहिब बंदा सिंह को भेंट किया। मुगलों से बदला लेने के लिए तब उसने गुरु जी से पंजाब जाने की आज्ञा मांगी। कहते हैं, गुरु जी ने तब उसके साथ अपने 5 प्यारे भाई विनोद सिंह, भाई कान सिंह, भाई विजय सिंह, भाई बाज सिंह और भाई राम सिंह को तथा 20 अन्य सिखों को बंदा सिंह जी के साथ पंजाब जाने की आज्ञा दी। पंजाब जाने से पहले गुरु जी ने बंदा सिंह को कुछ जरूरी हिदायतें दी, जिनमें प्रमुख हिदायत यह थी कि खालसे के नियम अनुसार चलना है, सारे काम 5 प्यारों की सलाह से ही करने हैं, उनके हुक्म को मानकर तुम सदा प्रगति करोगे, जब कभी मुश्किल घड़ी आ जाए तो 5 प्यारे सिखों को साथ लेकर गुरु चरणों में अरदास करनी है, ऐसा करके तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। किसी बात का अहंकार नहीं करना, अपने धर्म में दृढ़ रहना है। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंजाब के सिखों के लिए हुक्मनामे जारी किए और बंदा सिंह जी को दे दिए। जिन हुक्मनामों में पंजाब के सिखों को हुक्म दिया गया था कि बंदा सिंह बहादुर को अब से अपना नेता स्वीकार करो, मुगलों के विरुद्ध युद्धों में इनकी हर प्रकार से सहायता करो। 1708 ईस्वी में वे अपने 25 सिखों के साथ पंजाब की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति जोत समाने की खबर मिली। अपने प्यारे गुरु पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी यादों को अपने हृदय में समेटते हुए वे आगे की ओर चल पड़े। दिल्ली के पास पहुंचकर उन्होंने गुरु जी का हुक्मनामा जारी किया।
इतिहास में दर्ज है कि इसके साथ ही सारे पंजाब में यह खबर पहुंच चुकी थी कि जालिमों को सबक सिखाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने एक खास बंदे को खालसे का जत्थेदार नियुक्त करके पंजाब भेजा है। इस तरह की खबर मिलते ही मालवा, माझा और दुआबा के इलाकों से गुरु के प्यारे सिख बंदा सिंह जी के साथ जुड़ते गए। इतने कम समय में उनके नेतृत्व में हजारों सिख इकट्ठे हो गए। तब उन्होंने मुगलों के विरुद्ध सैन्य अभियान जोरों शोरों से शुरू कर दिया। सत्रह सौ नौ ईस्वी में सबसे पहले बंदा सिंह ने सोनीपत पर हमला बोला। बेशक सिखों की गिनती ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी बंदा सिंह जी ने उत्तरी भारत में अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए ही हमला किया था। सोनीपत का फौजदार कमजोर दिल का था। सिखों का अचानक हमला हुआ देख वे डर कर दिल्ली दौड़ गया। सोनीपत शहर को बंदा द्वारा जीत लेने पर सिखों के हाथ बहुत सारी दौलत और हथियार आ गए। पहली ही जीत से सिखों के हौसले बुलंद हो गए। जल्दी ही उन्होंने कैथल पर भी अधिकार जमा लिया। फिर उन्होंने सरहंद को जीतने और नवाब वजीर खान को उसके किए गए जुल्मों की सजा देने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जब बंदा सिंह नांदेड़ से चला था तो उसके साथ केवल 25 सिख थे, परंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दिया गया आशीर्वाद था जो वो अपने साथ लेकर चला था। कई बार सिखों की संख्या देखकर हैरानी होती है कि बंदा सिंह के मन में कितना निश्चय और विश्वास होगा कि वह मुट्ठी भर सिखों को लेकर 200 साल पुराने मुगल राज को टक्कर देने और हिला कर रख देने के लिए पंजाब पहुंच गया था। तब बंदा सिंह बहादुर की उम्र केवल 38 साल थी। इतिहास में दर्ज है जैसे जैसे बंदा सिंह उत्तरी भारत के करीब पहुंचा तो उसके मन में प्रश्न उठा कि उसके पास सेना की कमी है और धन की भी कमी है, यह कैसे पूरी होगी। तभी उसे ख्याल आया कि गुरु जी ने कहा था अगर कोई मुसीबत आ जाए तो 5 प्यारों को साथ लेकर अरदास कर ले, फिर सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जैसे गुरबानी में भी कहा गया है, बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुण तास। निश्चय के साथ अरदास करने की देर ही थी कि जब बंदा सिंह बहादुर राजस्थान के भरतपुर में पहुंचा तो वहां का एक सिख व्यापारी अपनी दसवंत की रकम लेकर उनके दर्शनों के लिए आया। उसके आने से बंदा सिंह की धन की कमी पूरी हो गई। सोनीपत और कैथल के बाद बंदा सिंह का अगला निशाना समाना शहर था जिसको जल्लादों का शहर कहा जाता था। 11 नवंबर 1675 ईस्वी को गुरु तेग बहादुर जी को कत्ल करने वाला जल्लाद सैयद जलालुद्दीन और 1705 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी के दो मासूम छोटे साहिबजादों के शीश धड़ से जुदा करने वाले शाशल बेग और बाशल बेग समाना शहर के ही रहने वाले थे। सिखों के मन में इस नगर और इन जल्लादों के विरुद्ध भारी रोष और नफरत थी। खालसा इस नगर को और इन जालिमों को सजा देना चाहता था। 11 नवंबर 1709 ईस्वी में बंदा सिंह जी ने इस नगर पर हमला करने से पहले अपने सिखों को सख्त हिदायत दी कि मुस्लिम इमारतों को नुकसान ना पहुंचाया जाए और ना ही किसी स्त्री के साथ बदसलूकी की जाए। इस लड़ाई में तकरीबन 10,000 लोगों की मौत बताई जाती है। समाना शहर पर विजय प्राप्त करके बंदा सिंह जी ने घुड़ाम, ठसका, थानेसर, शाहबाद पर भी हमला बोल दिया। इन स्थानों पर फिर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद उसने सडोरा पर हमला किया। यहाँ का मुस्लिम फौजदार गैर मुस्लिम जनता पर बहुत जुल्म करता था। उनकी स्त्रियों की इज्जत दांव पर लगी थी। सडोरा गांव पटियाला से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा था, जहां का फौजदार उस्मान खान
एक चरित्रहीन दुराचारी व्यक्ति था। हिंदुओं पर कई तरह के टैक्स लगाए हुए थे। हिंदू लोगों को अपने त्योहार मनाने की आज्ञा नहीं थी और ना ही वे अपनी रीति अनुसार दाह संस्कार भी कर सकते थे। हिंदुओं को सताने के लिए उनके घरों के आगे गाय का कत्ल किया जाता था और ज्यादातर गायों के मांस के टुकड़े उनके घरों के आगे फेंके जाते थे। सारी जनता उस फौजदार से अत्यंत दुखी थी। उन्होंने बंदा सिंह के आगे प्रार्थना की किसी भी तरह इस जालिम हाकिम से छुटकारा दिलवाया जाए। कहा जाता है बंदा सिंह ने इस युद्ध में उस्मान खान को बुरी तरह से पराजित किया था। सडोरा की जीत बंदा सिंह के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस जीत के साथ ही उनके सभी साथी बड़े उत्साहित और चढ़ती कला में थे। अब वे सब बड़े संघर्ष के लिए यानी सरहंद पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सरहंद का जिक्र आते ही सिख इतिहास की दर्दनाक घटना याद आ जाती है, जब यहाँ के नवाब वजीर खान ने अपने धर्म की आड़ में 1705 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह उम्र 9 साल, बाबा फतेह सिंह उम्र 7 साल को जिंदा दीवार में चिनवा कर शहीद किया था। इसके अलावा ये वही जालिम वजीर खान है जिसने गुरु गोबिंद सिंह जी के आनंदपुर साहिब के किले को घेरने का फरमान जारी किया था, जिसके जुल्मों के कारण गुरु जी का सारा परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गया था। और नांदेड़ में भी गुरु गोबिंद सिंह जी पर जिसने हमला करने के लिए अपने दो पठानों को भेजा था, उस वजीर खान को जब पता चला कि बंदा सिंह ने सडोरा, समाणा, पानीपत, कैथल, घुड़ाम, ठसका पर बुरी तरह से तबाही करके उसने अपने अधिकार में वे राज्य ले लिए हैं, इस पर वजीर खान आग बबूला हो गया। इतिहास में दर्ज है कि वह सोते सोते भी बंदा सिंह के बारे में सोचकर बड़बड़ाने लगता था। बेशक वजीर खान के मुकाबले बंदा सिंह के पास सैनिक व धन दौलत की कमी थी, पर वे सब धर्म युद्ध के चाव में ऐसे रंगे हुए थे कि उन्हें किसी भी वस्तु की कोई कमी महसूस नहीं होती थी। और फिर बंदा सिंह के साथ वजीर खान के बीच घमासान युद्ध हुआ। इतिहासकारों ने वजीर खान की सेना का अनुमान 60,000 के करीब लगाया था, जबकि बंदा सिंह की सेना लगभग 30,000 थी। 12 मई 1710 ईस्वी में सरहंद से 10 मील दूर चप्पड़चिड़ी स्थान पर यह युद्ध शुरू हुआ। सिख सेना जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का नारा लगाते हुए मुगलों पर शेर की तरह टूट पड़ी। तब वजीर खान का मुकाबला बाज सिंह से हुआ, जिसमें वजीर खान ने अपने तीर से बाज सिंह को घायल कर दिया। वजीर खान कुछ और कर पाता तभी फतेह सिंह ने अपनी तलवार से वजीर खान का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने नेता को मरता देख सरहंदी फौजी मैदान छोड़कर भाग गई। पंजाब में यह खालसे की जीत जबरदस्त थी। चप्पड़चिड़ी की जीत ने सिख राज की स्थापना का सपना साकार कर दिया। इसके साथ ही खालसे की सैन्य शक्ति और मजबूत हो गई। इस जीत के बाद बंदा सिंह ने सरहंद पर धावा बोल दिया और सुच्चानंद, जिसने वजीर खान को छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवाने के लिए उकसाया था, उसे पकड़कर उसकी नाक में नकेल डालकर बंदा सिंह ने पूरे बाजार में उसे घुमाया। तब क्रोधित लोगों ने छोटे साहिबजादों की मौत का बदला लेने के लिए उसे जूते मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। यह जीत सबसे खास थी। इस प्रकार गुरु जी के परिवार पर किए गए जुल्मों का बदला लिया गया। इसके बाद बंदा सिंह ने यमुना, गंगा, द्वापा, जालंधर, अमृतसर, बटाला, कलानौर, पठानकोट आदि इलाकों पर जबरदस्त और शानदार जीत हासिल करके
मुगलों से यह क्षेत्र आजाद करवा लिया। फिर इन सभी क्षेत्रों की बागडोर उन्होंने अपने सिख सैनिकों के हाथों में सौंप दी। 6 साल तक मुगल सल्तनत बंदा सिंह का बाल भी बांका ना कर सकी। मुगलों के राज में उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के सपनों का पंजाब बसाया। जालिमों का खात्मा करके जुल्मों से मुक्त पहला खालसा राज स्थापित किया। लड़ाई के मैदान में उस जैसा शूरवीर और निडर योद्धा ढूंढना भी मुश्किल था, तथा समाज के लोगों की भलाई में लगा उस जैसा दयालु और दयावान शासक ढूंढना भी। एक महान जर्नैल के बावजूद भी वो स्वभाव का इतना नरम और सहनशील था कि उससे किसी गरीब और कमजोर का दुख दर्द नहीं देखा जाता। वो तुरंत उसकी सहायता में जुट जाता था। उसके द्वारा आया कोई व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता, बल्कि जरूरतमंदों को वह मोहरे देकर ही भेजता था। उसके पास हमेशा मोहरों का थैला भरा रहता था। वह गरीबों और आम लोगों का मित्र था। गरीबों की तकलीफों को बड़ी हमदर्दी के साथ सुनता और उनकी सहायता के लिए कोई कसर न छोड़ता। इस प्रकार उसने गरीबों और मोहताज लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिनके दुखड़े सदियों से किसी ने नहीं सुने थे। इतिहास में दर्ज है कि 1710 ईस्वी में सरहंद की जीत ने बंदा सिंह को उत्तरी भारत का एक विशाल मालिक बना दिया, जिसकी सीमाएं सतलुज दरिया से लेकर जमुना तक फैली हुई थी। 125 साल की गुलामी के बाद पहली बार लोगों ने देश के माथे पर आजादी का दीपक जलता हुआ देखा। उस समय बंदा सिंह को नया स्थापित खालसा राज की राजधानी बनाने की जरूरत महसूस हुई। इतिहास में दर्ज है कि शाहजहां ने एक ऐसा किला बनवाया था जो पहाड़ों के बीचों बीच था। बंदा सिंह को यह किला बहुत सुरक्षित लगा, इसलिए उसने खालसा की राजधानी बनाकर उसे नाम दिया लोहगढ़, जो यमुना नगर हरियाणा में स्थित है। दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह को जब पता चला कि बंदा सिंह ने सारे पंजाब पर अपना हक जमा लिया है, वह बहुत घबरा गया और अपनी ढेर सारी सेना, जिसमें उसके चारों बेटे भी शामिल थे, दिसंबर 1710 ईस्वी में लोहगढ़ पर हमला बोल दिया, जिससे बंदा सिंह को अपनी थोड़ी सेना होने के कारण मजबूरन किला छोड़ना पड़ा। लंबे समय तक लोहगढ़ में घेरा डालने के बावजूद भी बहादुर शाह बंदा सिंह को पकड़ नहीं सका, इसलिए उसने अत्यंत क्रोधित होकर सिखों के प्रति सख्त और क्रूरता से भरे आदेश जारी कर दिए, जिसमें कहा गया था, नानक देव को मानने वाले सिख कहीं भी दिखाई दे तो उन्हें फौरन कत्ल कर दिया जाए। आदेश जारी होते ही सिखों की हर स्थान पर धरपकड़ शुरू हो गई। अक्टूबर 1711 में बहादुर शाह की सेना ने मुल्तान के आसपास के गांवों से बेकसूर 40 सिखों को पकड़कर उन्हें बहादुर शाह के सामने पेश कर दिया। तब बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया कि यदि वे सिख इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें छोड़ दिया जाए, नहीं तो उनका कत्ल कर दिया जाए। एक भी सिख द्वारा इस्लाम कबूल ना करवा पाने पर गुस्से में आकर बहादुर शाह ने जीते जी जमीन में उन सिखों को गाड़कर उनका कत्ल करवा दिया। बंदा सिंह नवंबर 1713 में लोहगढ़ का किला छोड़ने के बाद जम्मू चला गया। वहां जाकर 2 साल तक भक्ति में लीन हो गया, जहां पर आजकल डेरा बाबा बंदा सिंह स्थापित है। कुछ समय वहां बिताकर बंदा सिंह वापस पंजाब आया, जहां उन्होंने नए इलाकों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद फर्रुखसियर दिल्ली का नवाब बना। बंदा सिंह द्वारा पंजाब पर कब्जा किए जाने की खबर
जब उस नवाब को मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने बंदा सिंह की शक्ति को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया। 1715 ईस्वी में कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खान के नेतृत्व में फरुख सियर ने एक विशाल सेना बंदा सिंह को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगा दी। कहा जाता है उस समय बंदा सिंह ने गुरदासपुर से 6 किलोमीटर दूर गुरदास नंगल नामक गांव में दूनी चंद की हवेली में शरण ली हुई थी। उस हवेली की दीवारें इतनी ऊंची थी कि मुगल सेना का उस हवेली के अंदर आना कठिन था। मुगलों को पता लगते ही उस हवेली को चारों ओर से घेर लिया गया। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर के साथ क्या हुआ? क्या वे मुगल सेना उन्हें पकड़ने में कामयाब हुई? बाबा जी के जीवन के आखिरी पल कैसे रहे? ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली शहीदी की दास्तां इससे पहले आपने कभी न देखी न सुनी होगी। यह सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।